Good morning, students. Today we are going to continue with the last part of this chapter, Political Theory and Introduction. And our today's topic is, why should we study political theory? We may have political ideas, but do we need to study political theory? What is the need for studying this political theory? हमको लॉयर बनना है, जज बनना है, एक्टिविस्ट बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, और वी आर डिमांडिंग न्यू राइट्स फ्रॉम द पीपल एट हाई स्कूल लेवल. व्हाट इज द कंसर्न ऑफ स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी? सो एज यू नो दैट अब्राहम लिंकन, ही हैज़ गिवन अ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी दैट इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. बट अगर एक लाइन में कहें टूडेज पर्स्पेक्टिव, अगर एक लाइन में इसका आंसर दें, देन गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू द पीपल. तो गवर्नमेंट कब अकाउंटेबल होगी? एंड दैट सिचुएशन इफ वी आर इंफॉर्म्ड एंड रीजनेबल, अगर हमें सभी इश्यूज के बारे में, पॉलिटिकल एक्शंस के बारे में पता होगा, वी आर रीजनेबल, वी आर इंफॉर्म्ड, वेल अवेयर ऑफ इट, देन ओनली वी कैन मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. तो पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने का, पॉलिटिकल थ्योरी दैट इज़ रेलेवेंट फॉर ऑल द अबव टारगेट ग्रुप्स, अगर आप जर्नलिज्म की तरफ जाना चाहते हो, नए राइट्स की डिमांड करना चाहते हो, एक्टिविस्ट बनना चाहते हो, जज बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, सो दैट इज़ वाई दिस पॉलिटिकल थ्योरी विल बी वेरी वेरी रेलेवेंट. एज हाई स्कूल स्टूडेंट्स, we may choose one of the above professions in the future. We learn mathematics from the very beginning. We learn mathematics, but our main aim is not to become mathematicians and engineers. Sabhi log to engineer aur mathematicians nahi ban jate. So is tarah kuch basic arithmetic aapko normal living ke liye zaruri hai. In the same way, political theory is relevant to you, it is useful to you. You should study political theory in order to become reasonable, in order to become aware and informed. अगर आपने ग्राम सभा के elections में participate करना है, अपने views websites और polls पर डालने हैं, in that situation also you must be mature enough and thoughtful enough so that you can use the new media to discuss and express the things of common interest. मान लो एक व्यक्ति है, उसने सिविल इंजीनियरिंग नहीं की गई, आपको ही ड्यूटी मिल जाती है कि आप सुपरिटेंडेंस करें, एक बिल्डिंग बन रही है उसका सुपरविजन करें. आपने सिविल इंजीनियरिंग नहीं की, आपको नहीं पता कि बिल्डिंग कैसे बनानी है, then you won't be able to perform your function in a proper way. So that is why government को accountable बनाने के लिए, democratic government को accountable बनाने के लिए पूर्णतः ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ी बहुत political theory की जानकारी हो. If you want to become vigilant citizens, you want to become public spirited officer, a person, in that situation you should become well aware and you should study the part of political science that is political theory. Ab iske liye freedom, equality or secularism ye abstract issues nahi hain. Hum kai jagahon par dekhte hain, schools, colleges, shopping malls, families, इन सभी जगहों पर कई तरह की डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलती है. लोगों को फ्रीडम नहीं प्रोवाइड हो रही, इक्वालिटी नहीं है, सेक्युलरिज्म नहीं है, धर्म के नाम पर कई तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है. तो कुछ तरह के प्रेजुडाइजेस हर हमारे मन में होते हैं जो पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं. अगर हम ऑप्रेस्ड हैं, वी वॉन्ट दैट वी शुड बी रिड्रेस्ड, और अगर ये डिले होता है, इन दैट सिचुएशन वी फील दैट वायलेंट रेवोल्यूशन इज जस्टिफाइड. अगर हम प्रिविलेज्ड हैं, तो फिर हम किसी भी तरह के ऑपरेशन को डिनाई करते हैं. हमारी मेड्स और सर्वेंट्स, दे
स्ट्रगल फॉर देयर डिग्निटी इन आर हाउसेस. सो इस तरह के जो प्रेजुडाइजेस होते हैं, वी नीड दैट पॉलिटिकल थ्योरी. इट एनकरेजेस अस टू एग्जामिन अवर आइडियाज एंड फीलिंग्स अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स. मान लो रिजर्वेशन ही है. रिजर्वेशन उस समय की गई थी जब लोगों के पास कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, लोग डिप्रेस्ड थे, डिसएडवांटेज थे. तो आज के तौर पर ही फाइनली हम पॉलिटिकल थ्योरी का की स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हम डिबेट्स कर पाएँ, एलोकेशंस कर पाएँ, किसी भी चीज़ के प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स, उसके फेवर और अगेंस्ट में पॉइंट्स इकट्ठे कर पाएँ. हम अपनी थिंकिंग ही ऐसे कर पाएँ कि हमारा ओपिनियन, हम इजीली डिसीजन तक पहुंच जाएं कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ जस्ट एंड व्हाट इज़ अनजस्ट. तो रिजर्वेशन पर भी हमारे रीजंस होने चाहिए कि रिजर्वेशंस अगर लेवल प्लेइंग फील्ड उस समय नहीं था लोगों के पास, तब उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई, लेकिन आज की डेट में दे आर प्रोग्रेस्ड इनफ, दे हैव डन द प्रोग्रेस इन ए वेरी राइटफुल मैनर. तो हम उनकी रिजर्वेशन को अब बंद कर दें. वी शुड बी एबल टू डिबेट ऑन ईच एंड एवरी इशू. वी शुड हैव अवर ओन ओपिनियन टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इट एनेबल्स अस टू जज व्हाट इज राइट, टू मेक आवरसेल्व्स रीजनेबल. हमें रीजंस और आर्गुमेंट्स हमारे पास होनी चाहिए, और पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपोज करती है सिस्टमैटिक थिंकिंग का, चाहे वो जस्टिस पर हो या इक्वालिटी पर हो, सो दैट वी कैन पॉलिश अवर ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस को पॉलिश कर सकें, हर इशू के ऊपर अपना ओपिनियन बना सकें और आर्ग्यू कर सकें एक इन्फॉर्म्ड मैनर में. सच स्किल्स ऑफ डिबेटिंग रैशनली एंड कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली आर लाइकली टू बी ग्रेट एसेट्स इन ग्लोबल इंफॉर्मेशन ऑर्डर. ग्लोबली इन्फॉर्म्ड होने के लिए और किसी तरह का प्रेजुडाइस या डिस्क्रिमिनेशन को न सहन करने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. और अगर हम डिसएडवांटेज्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो उस सिचुएशन में हम उसके खिलाफ खड़े होकर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें, डिबेट कर सकें. पॉलिटिकल थ्योरी एनेबल्स अस, इट मेक्स अस सो कॉन्फिडेंट, सो दैट वी कैन डिसाइड दैट व्हाट इज़ जस्ट एंड व्हाट इज़ अनजस्ट. दिस इज़ ऑल विद टुडेज़ टॉपिक. Thank you. Have a nice day. Stay at your houses and stay safe.